हाँ तो भैया, आईफोन 13 प्रो मैक्स आ गया है। क्या ख्याल है, जबरदस्त है ना? हाँ तो भाई, ये है कॉपी आईफोन 13 प्रो मैक्स की। इसको आप तुर्किश कॉपी कह लो या हाई क्वालिटी या हाई डेफिनेशन कॉपी, इसको बहुत सारे नामों से बेचा जा रहा है। पबजी सपोर्टेड कॉपी, बगैर पबजी सपोर्टेड कॉपी। तो दोस्तों, इसको मार्केट में बहुत अलग अलग तरीके से बेचा जा रहा है। तो मैं बताने वाला हूँ ये आपको, ये असल में इसकी हकीकत क्या है। आपने वीडियो को पूरा देखना है और फिर फैसला करना है कि आपने ये फ़ोन बाय करना है या नहीं करना है। दोस्तों, अगर तो आपने इसको सिर्फ ओवरऑल लुक के लिए रखना है, तो भाई देखो, हाथ में लेके घूमना है या एप्पल है मेरे पास और 13 प्रो मैक्स है, तो ऐसे ले घूमते रहें, ये इस काबिल भी नहीं है कि आप इसमें सिम चला सकें। क्योंकि एक तो इसकी बैटरी बैकअप इतना ज़्यादा कम है, किसी टाइम भी बंद हो जाता है, 30-40% पे आके बंद हो जाता है। दूसरी बात यह है कि ये नॉन पीटीए मिलेगा आपको, अगर पीटीए अप्रूव भी होता है तो आईएमई वगैरह का है, इसमें चेंज मारा होता है तो वो किसी टाइम भी बंद हो जाती है, पैच किया होता है इसको। दोस्तों, मेमोरी इसकी दिखाता जाऊँ तो इसमें मेमोरी दिखाई गई है जो मेरे पास वेरियंट है, बल्कि आप मार्केट में कोई सा भी लोगे तो उसमें ये देखिए, यहाँ पर है 1 TB, यानी कि 1000 GB। तो इसकी ओरिजिनल में जो मेमोरी है दोस्तों, ये है ओनली 16 GB, जिसमें इसका अपना सॉफ्टवेयर भी पूरा ऑपरेट हो रहा है। और उसके बाद आपको कितने GB मिलेगी, शायद 3-4 GB। आप इसमें 2-3 एप्लीकेशन भी डाउनलोड करते हैं तो ये इसकी मेमोरी फुल हो जाती है। इसमें 512 लिखा है या 256 लिखा है, कुछ भी लिखा है, तो उस पर आपने बिल्कुल भी फोकस नहीं करना। कैमरे एकदम बेकार हैं, मतलब इस तरह के कैमरे भी नहीं हैं कि जैसे टेक्नो इन्फिनिक्स में दिए गए होते ना। कम से कम बंदा कोई सॉफ्टवेयर ऐप, थर्ड पार्टी ऐप को डाउनलोड करके पिक्चर वगैरह ले सकता, तो इसमें वो सीन भी नहीं है। बिल्कुल बेकार कैमरे हैं, टोटली पैसा वेस्ट है आपका, कुछ भी नहीं है। और इसमें मसला इतना है कि हर रोज़ जो है इसका, हर दूसरे तीसरे दिन इसका सॉफ्टवेयर जो है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम जो इसका चल रहा है, हर दूसरे तीसरे दिन ये करप्ट हो जाता है। फिर आप मार्केट जाओगे, आपसे 300-400 रुपये ले लेंगे और दोबारा से आपको ऑपरेटिंग सिस्टम डाल देंगे। दोस्तों, नेटवर्क यहाँ पे 5G शो करवा रहा है, लेकिन ये होता 3G है। आप इस पर डेटा पैकेज करके इंटरनेट चलाएंगे तो H प्लस की स्पीड आएगी, 3G यानी कि 3G की स्पीड आएगी। इंटरनेट की स्पीड का बहुत ज़्यादा इशू है। बाकी पता नहीं किस चीज़ के पैसे ले रहे हैं यार, ये 25-30 हज़ार रुपये का मार्केट में बेच रहे हैं, 35 हज़ार भी मांग लेते हैं, जहाँ पे जो कस्टमर लग जाए उसको दे देते हैं। तो दोस्तों, मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप अपना पैसा बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। इससे बेहतर है लाख गुना कि आप कोई इन्फिनिक्स या टेक्नो का फ़ोन ले लें, एटलीस्ट वो बॉक्स के साथ कंप्लीट पीटीए ऑफिशियल अप्रूव होगा और आप उसको चलाते रहोगे, रोज़ रोज़ की परेशानी नहीं होगी। ये फ़ोन बिल्कुल भी चलाने लायक नहीं है। इसमें फिर से मैं बता रहा हूँ कि इसमें देखिए वाइट पन्नी लगी होती है जी, ये वाइट वाला है, ये फर्स्ट कॉपी है, ये तुर्किश है, ये चाइनीज़ है, तो ये सारा का सारा फ्रॉड है, कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपके आपके लिए कुछ हेल्पफुल लगे तो आप ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक न्यू वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।